कि पहले तो बहुत ही फौज होती थी, बच्चों की 4-5-6 बच्चे होते, तभी तो हमारी पॉपुलेशन 1.3 बिलियन हो गई। लेकिन अब तो एक एक दो दो बच्चा है, तो कभी कभी हम ओवर उनको पिंग करते हैं और उसकी वजह से बच्चे वायलेंट हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर जीडी भार्गव और मैं प्रेजेंट करता हूं हमारे ऑफिशियल चैनल को आवर ब्रेन आवर लाइफ। आज हम बात करने जा रहे हैं नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स की। नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स क्या होते हैं, क्या कोई पेरेंट खराब हो सकता है? इसको अगर हिंदी में बोलने की कोशिश करें तो आत्महीनता काइंड ऑफ शब्द यूज किया जाता है, जिसके लिए कहा जाता है कि आप क्रूअल नहीं हो बट क्रूअल जैसा बिहेव कर रहे हो। आपके अंदर उतना किसी की सेंसिटिविटी को समझने की ताकत नहीं है या उसको इग्नोर कर रहे हो। सो ये वर्ड बड़ा टिपिकल है, नार्सिसिस्टिक। थोड़ा टफ है नार्सिसिस्टिक, लेकिन ये बड़ा क्रूअल सा वर्ड है, तो इसको आप समझने की कोशिश करें कि क्या कोई पेरेंट ऐसा बनना चाहता है? कोई नहीं बनना चाहता, पर दिक्कत कहां पे है? दिक्कत एक जगह पे है कि पहले तो बहुत ही फौज होती थी, बच्चों की 4-5-6 बच्चे होते, तभी तो हमारी पॉपुलेशन 1.3 बिलियन हो गई। लेकिन अब तो एक एक दो दो बच्चा है, तो कभी कभी हम ओवर उनको पिंग करते हैं और उसकी वजह से बच्चे वायलेंट हो रहे हैं, एंगर बढ़ रहा है, इरिटेट हो रहे हैं और वो रिएक्शन ज्यादा करते हैं और इसलिए वो पेरेंट्स को नार्सिसिस्टिक मानने लग जाते हैं। तो हम समझने की कोशिश करें कि हम कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो ना करें कि बच्चों में वो फ्रस्ट्रेशन, वो डिटैचमेंट, वो इग्नोरेंस पेरेंट्स के लिए ना आए। तो स्पेशली मदर और फादर के लिए वीडियो है, जिनके बच्चों से उनको ये प्रॉब्लम आती है कि वो उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, तो वो अपने आप को भी चेक कर सकते हैं कि व्हाट आर द प्रॉब्लम व्हिच दे वांट टू जस्ट रिमूव। तो हम 5 पॉइंट आज बात करेंगे और इन 5 पॉइंट को आप समझिए और फिर वैसा बिहेवियर में चेंज कीजिए, डेफिनेटली फैमिली लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो चलते हैं इस जर्नी पे, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए ताकि ये कनेक्टिविटी बनी रहेगी। तो पहला पॉइंट, चिल्ड्रंस को वो ट्रॉफी की तरह यूज करते हैं। कैसी ट्रॉफी? अरे मेरे बेटे ने तो आईआईटी के अंदर 5 जगह 5 आईआईटी में उसका सिलेक्शन हो गया, एंड दे आर टेलिंग इन फ्रंट ऑफ द पीपल। बच्चे को डिस्कम्फर्ट हो रहा है, मेरा बच्चा फुटबॉल में बहुत अच्छा है, क्रिकेट में अच्छा नहीं था, मैंने इसे समझाया, मानी नहीं इसे मेरी बात। क्या कहें, बच्चे नहीं मानते, मतलब उसने जो अच्छा भी किया वो भी आपने इरेज कर दिया। मत करिए ऐसा, आप उसको ट्रॉफी नहीं है, वो इंसान है। लेट हिम एक्सप्लेन, उसको खुद बताने दीजिए, मेरा इंटरेस्ट है, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, या मैं आईटी में 5 जगह सेलेक्ट हो गया हूँ, या मैं एमबीए के इतने इंस्टीट्यूशन में सेलेक्ट हो गया हूँ, व्हाटएवर इज दिस। लेकिन आप क्यों चिल्ला रहे हैं? आपका क्या प्राउड है? मैंने किया ये काम। बच्चे के अंदर आप ये हीन भावना डाल रहे हैं कि उसने कुछ किया ही नहीं, तो बच्चा डिटैच होने लगता है और धीरे धीरे वो मेंटली डिटैचमेंट की तरफ चला जाता है। कई बार एंगर दिखाएगा, फ्रस्ट्रेशन दिखाएगा, और अगर ये दोनों चीजें नहीं होंगी तो इग्नोरेंस मोड में आ जाएगा। तो हमें ये नहीं करना चाहिए, अनॉयड बिहेवियर को रोकने के लिए दिस इज द बेस्ट मेथड। चलते हैं अगले पॉइंट पे, कंपैरिजन प्रॉब्लम। दो सिबलिंग, जैसे आजकल दो बच्चे यूजली गवर्नमेंट भी करिए, दो बच्चे करिए, तो अगर वो जेंडर स्पेसिफिक है, एक लड़का और एक लड़की है, तो बहुत लड़ा है, तो कंपैरिजन और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि कुछ बेसिक चीजें हम गर्ल्स के साथ नहीं करते हैं, वो हमारे कल्चर का हिस्सा है, लेकिन लड़कों के साथ वो करते हैं। तो कंपैरिजन जब इशू हो जाता है तो बच्चा डिप्रेसिव मोड में चला जाएगा, इरिटेट रहेगा, आपके अलावा सबकी बात सुनेगा, इस दुनिया में सबसे बड़े दुश्मन आप हो जाएंगे। तो कोशिश करिए कंपैरिजन मोड में नहीं जाने की। ऐसा हो सकता है एक बच्चा आपका इंटेलिजेंट हो, दूसरा उतना इंटेलिजेंट ना हो,
इंटरनेट टेस्ट करा लीजिए उनका, समझ लीजिए, हो सकता है वो किसी और चीज में ज्यादा अच्छा हो, पढ़ाई के अलावा और भी बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें बच्चे अच्छे हो सकते हैं, पर हम कई बार ये सारी चीजें इग्नोर कर देते हैं। एक बच्चा इंजीनियर है तो दूसरा इंजीनियर ही होना चाहिए, एक डॉक्टर है तो दूसरा डॉक्टर ही होना चाहिए, और उसी दौड़ में हम कंपेरिजन करते, देख तो अपने भाई को देख। और इसमें वो कहते हैं ना, एक तो करेला और दूसरा नीम चढ़ा, तो इसमें दूसरा नीम चढ़ा क्या है? नीम चढ़ा ये है कि उसके साथ तो कंपेरिजन करते ही हैं आप, उसके अलावा जितने कजन्स हैं, कजन ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, सबके साथ कंपेरिजन करने लगते हैं। तो अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो डेफिनेटली बच्चा आपसे डिटैच हो जाएगा और वो आपको नार्सिसिस्टिक पेरेंट समझने की कोशिश करेगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। आगे चलते हैं तीसरे पॉइंट, कंडीशनल लव। प्यार की कोई डेफिनेशन नहीं होती, प्यार तो एक अलग इमोशंस होते हैं, बट हम इमोशंस में भी बार्गेन करने की कोशिश करते हैं। बच्चे का मन हुआ कि मेरे को ना बाइक दिला, भाई बाइक तो तेरे को दिला देंगे, और आप कैपेबल हैं, आई एम नॉट टेकिंग एनी अनरियलिस्टिक फिगर, क्या आराम से बाइक दिला सकते हैं उसे, तो आप कैपेबल भी हैं और बाइक दिला भी सकते हैं, बट सडनली भाई तो क्लास में ना, अब बच्चा आता है आपका मान लो फिफ्थ पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे, यहाँ कहीं घूम रहा है, फर्स्ट आगे दिखा, बाइक दिला देंगे तेरी पसंद। सो इट इज नॉट लव, इट इज रिवार्ड। हमें जब कभी रिवार्ड मिलता है, मान लो आज गवर्नमेंट से किसी को रिवार्ड मिला, वो उस आदमी से प्यार नहीं करता है जिससे रिवार्ड लेता है, वो सर रिवार्ड से प्यार करता है। फिर आप थोड़े दिन बाद कहते हैं हमने तो बाइक भी दिला दी सर, जो इसने कहा वो दिलाया, सुनता ही नहीं हमारी तो बात, नहीं सुनेगा। साइकोलॉजिकली आप गलत कर रहे हैं, प्लीज ऐसा मत करिए और इसके अंदर करेक्शन करिए। लेकिन ये वीडियो पूरी तरह एजुकेशनल है, खुद साइकोलॉजिस्ट मत बनिएगा, दैट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। मैं सारे वीडियो में लगभग बोलता हूँ, जिनमें नहीं बोलता हूँ उसमें अंडरस्टूड मान लीजिए इस बात को, किसी प्रोफेशनल में जाइए वो आपको सजेस्ट करेगा। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं, विक्टिम बिहेवियर। देखिए हर एक आदमी काम करता है, जिनके परिवार ग्रो हुए, चाहे अंबानी को ले लीजिए, अंबानी में भी अगर आप धीरू भाई को देखेंगे तो उन्होंने पेट्रोल भरा, आज मुकेश अंबानी इंडिया का रिचेस्ट मैन। तो या तो अंबानी को ले लीजिए आप, किसी और को ले लीजिए, किसी ने अगर पैलेस तैयार किया अपने घर के लिए तो वो रूप बनाया, नीम का पत्थर तो बनाया, और वो सारा दिन सुनाता रहे मैं नीम का पत्थर हूं, मैं नीम का पत्थर हूं, और विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करे, मैंने तुम्हारे लिए सारी सारी रात जागा हूं, तुम्हारे लिए मैंने 100 रुपए जोड़ के तुम्हें मैंने अच्छा खाना खिलाया, अच्छे स्कूल में पढ़ाने की कोशिश। एवरी पेरेंट डज दिस। और अगर ये हम बार बार बोलेंगे तो बच्चा इसको रिकॉर्ड प्लेयर सुन सकता, एक दो बार तो इंप्रेशन में उसने सुन लिया, बट रिकॉर्ड प्लेयर आप समझ रहे हैं जो बजता है। आप देखिए आप FM सुनते हैं गाड़ी में, कितनी बार आपको ध्यान होता है कि कौन सा गाना चल रहा है? हार्डली 1% 2% क्या बोल रहा है, और वो रेडियो जॉकी क्या बोल रहा है वो तो ध्यान ही नहीं होता आधे। आप अपनी धुन में गाड़ी चला रहे हैं या अपना कोई बिजनेस की चीज डिस्कस कर रहे हैं तो बच्चा आपको इग्नोर करेगा, और जब आपको इग्नोर करने लगेगा तो आप इरिटेट होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, और जब इरिटेट और फ्रस्ट्रेट होंगे तो आप रूड हो जाएंगे, क्योंकि बच्चा इग्नोर कर रहा है, दिस इज फैक्ट। आप रूड बिहेवियर करेंगे तो बच्चा और ज्यादा दूर हो जाएगा आपसे। तो ये पेरेंटिंग का नियम है, इसको बिल्कुल मान लीजिए साइकोलॉजिकल। चलते हैं अगले पॉइंट पे, मैनिपुलेशन ऑफ थिंग्स। हम चीजों को स्टेट नहीं करना चाहते, हम चीजों को जितना स्टेट बोलेंगे, जितना स्टेट समझाएंगे बच्चों को, उतना ही आप देखेंगे वो आपसे उतने फ्रेंडली हो जाएंगे, वो उतने आपके अच्छे दोस्त साबित होंगे। हम मैनिपुलेट करते हैं, इसका मैं छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। जैसे आजकल यूजली एक कल्चर है कि लड़कियों को देर रात तक बाहर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में उतनी सेफ्टी लेवल नॉर्म्स नहीं है। मैं कोई पॉलिटिक्स की बातें नहीं कर रहा हूं इसमें। अब बच्ची आपकी लेट आ रही है किसी वजह से, जॉब हो सकती है उसकी, उसका कॉलेज का प्रैक्टिकल हो सकता है, अगर वो पढ़ती है उस दिन उसके यहाँ कोई सेमिनार हो सकता है, समथिंग। अब आप स्टेट नहीं बोलेंगे,
कि बेटा तू लेट आए तो बता दिया कर, हमें थोड़ा सेफ्टी कंसर्न होता है, फोन कर दिया कर, ये चीजें बिल्कुल सेट है। आप बोलेंगे फलाने की लड़की लेट आती थी, देखो उसके साथ ये ट्रस्टी हो गई, तुम लोग ध्यान नहीं रखते हो, ऐसा बहुत गलत है, तो मैन्यूपुलेट करने की कोशिश करेंगे। अगर उसने गलती से अपनी मर्जी से एक सूट खरीद लिया, एक ड्रेस खरीद ली जो नहीं आई, मैं कह रहा हूं कि वो अच्छी नहीं थी, खराब निकली, हमसे पूछा ही नहीं, हमसे तो कुछ पूछेंगे नहीं, ये तो बड़े विद्वान हो गए हैं। अरे क्या हो गया, आपने भी तो कभी गलती की है, हाउ वी लर्न आइदर फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ द क्रिएटिविटी। सो हमें ये समझने की जरूरत है कि क्या हम ऐसा मैनिपुलेशन कर रहे हैं बातों में। तो जितनी आप मैनिपुलेशन करेंगे, बच्चा उसे 10 times मैनिपुलेट करेगा। अगर आप उसको दबा के रखेंगे, अरे मेरी लड़की पे, मेरे लड़के पे इतनी फाउंडेशन होनी चाहिए, तो मैं आज ही बता रहा हूँ हिडन रूप से, उसके पक्का खूब सारे बॉयफ्रेंड या बहुत सारी गर्लफ्रेंड होंगे, आपको छुपाएगा वो सारी चीजें, मत चेकिए, ट्रांसपेरेंट रहिए, बी कॉन्फिडेंट ऑन दैट। तो मैनिपुलेट करने के बजाय स्टेट कम्युनिकेशन करिए, देखिए बच्चे आपको प्यार करेंगे, आप बच्चों को प्यार करेंगे। फिर भी इस बारे में कोई क्वेश्चन हो जरूर पूछिए, और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, दैट इज अवर रिक्वेस्ट। और आप वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज शेयर करें, ये तो पेरेंट्स के लिए काफी वैल्यूएबल रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।